Assalamu alaikum. In previous lecture, we have seen the example of digital clock creation. And in this lecture, I am going to explain the analog clock creation through graphics.h library. Okay, so start करते हैं. सबसे पहले जैसे हमने previous example में किया था time.h की जो header file थी वो include करवाई थी and graphics.h की header file include करवाई थी. ठीक है, उसके बाद हमने जो basic structure होता है वो बनाना है graphics के program का. वो क्या होता है, हम सबसे पहले integer variable लेते हैं, gd is equal to detect. ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले. एंड एक ग्राफिक्स मोड के लिए जीएम होता है. देन हम जो फंक्शन है इनिट ग्राफ का वो कॉल करते हैं. ठीक है, और इसमें हम तीन आर्गुमेंट्स पास करते हैं, एम्परसेंट जीडी, एम्परसेंट जीएम, एंड आपके पास पाथ जो कि यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है बीजीआई फोल्डर का. ओके, उसके बाद हमने ये करना है कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि हम टाइम टी का एक वेरिएबल बनाते हैं रॉ टाइम के नेम से. सबसे पहले हम यही काम करते हैं टाइम टी, और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास टाइम का फंक्शन जो है वो जो टाइम रिटर्न करता है वो स्टोर होगा. ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे टीएम, और उसका हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं करंट टाइम के नेम से. ठीक है, करंट टाइम के नेम से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया. ये सारे के सारे यूज होंगे आपका जो टाइम है उसको करंट टाइम और उसको आगे जो है इंक्रीमेंट के थ्रू डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे हमारे पास क्लॉक एग्जीक्यूट कर रही होती है टाइम को. ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में डिजिटल क्लॉक थी. उसके बाद हमने ये करना है कि हमने एक एरे ले लेनी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 100 साइज की एरे ले लेती हूँ, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा है कि किस तरह से हम वैल्यू को कॉपी करवा के प्रिंट करवाते हैं. ठीक है, देन हमने ये काम करना है कि हमने जो क्लॉक का सर्कल बनाना होगा वो हमारे पास मिड में डिस्प्ले हो, तो हम उसके लिए एक काम करते हैं कि हम एक मैक्सिमम एक्स का वेरिएबल ले लेते हैं या मिड एक्स के नेम से वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम गेट मैक्स एक्स का फंक्शन कॉल करेंगे. ठीक है, इस फंक्शन को हम पहले देख चुके हैं कि ये फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम एक्स की वैल्यू लेता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटर पॉइंट में आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय टू कर देते हैं. इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक मिड वाई का वेरिएबल ले लेंगे इज इक्वल टू, उसको हम लिखेंगे गेट मैक्सिमम वाई फंक्शन डिवाइडेड बाय टू. ओके, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए जो कि हमें सेंटर पॉइंट देंगे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए क्लॉक का. देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं आईएमएस, जो कि हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन देगा, हमें आवर्स मिनट्स और सेकंड्स वाली इंफॉर्मेशन इसके पास होगी. उसके बाद हमने ये करना होता है कि हम रॉ टाइम फंक्शन कॉल करते हैं इसके अंदर टाइम का. ठीक है, इसमें फिलहाल हम नल पास करते हैं आर्गुमेंट के तौर पे, और अब हमारे पास जो भी होगा वो रॉ टाइम के पास वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी. ठीक है, फिर हमने क्या करना है, अपना करंट टाइम लेना है. तो करंट टाइम में वेरिएबल पास होता है हमारे पास इज इक्वल टू लोकल टाइम का हमने फंक्शन कॉल किया. ठीक है, और इसमें हम कॉल करते हैं, किसको पास करेंगे, एड्रेस पास करेंगे रॉ टाइम का. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जहां पे भी डिफाइन हुआ हुआ होगा इसमें पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा, इसलिए हमने क्या किया, एम्परसेंट के साथ रॉ टाइम को पास कर दिया. अब जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो किसके पास आएगी, वो करंट टाइम के पास आएगी. ओके, उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करना है क्लॉक का, तो हम सेट कलर कर लेते हैं. सेट कलर का फंक्शन कॉल किया, और हम कहते हैं हमारे पास जो क्लॉक है वो येलो कलर में उसका सर्कल डिस्प्ले हो जाए. ठीक है, देन हमने ऑब्वियसली सर्कल का फंक्शन कॉल करना होगा. सर्कल के फंक्शन में हमें पता है तीन आर्गुमेंट्स पास होते हैं, एक्स वाई और रेडियस. एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड एक्स, एंड जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है सेंटर पॉइंट के लिए मिड वाई एंड उसका रेडियस, तो हमने रेडियस दे दिया 200. ठीक है, टर्मिनेट कर दिया इसको. उसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, हमने ये करना है कि हमने सर्कल बनाने के बाद अपने जो नंबर्स हैं क्लॉक के वो भी डिस्प्ले करवाने हैं, बट उससे पहले हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर देते हैं. गेट सी एच का फंक्शन यूज करते हैं, हमें पता है ये हम क्यों यूज करें, तब तक जब तक यूजर कोई एंटर नहीं कर देता की तब तक हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होती जाएगी. और इसके बाद हम एक यूज करते हैं क्लोज ग्राफ का फंक्शन, तो ये भी हम कॉल कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है. यहाँ पे लोकल में एल मिस हो गया था, तो ये हम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा.
ये देखिए, अब हमारे पास ये क्लॉक के लिए एक सर्कल बिल्कुल मिड में विंडो के बना हुआ आ गया है, ठीक है। अब हमारा ये काम है कि हमने इसमें, अब ये देखिए हमारे पास एक सर्कल मिड में बना हुआ आ गया है। हमारा अब ये काम है कि हमने इसमें नंबर्स को डिस्प्ले करना है। वो कैसे करना है वो देखते हैं। ओके, अब हमारा काम ये है कि हमने इस क्लॉक में जो नंबर्स हैं उसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउट टेक्स्ट एक्स वाई का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमने तीन आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं, एक्स वाई एंड आपका जो भी आपने नंबर देना है आपने, या कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग अगर उसमें प्रिंट करवानी है तो हम वो देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देती हूँ, हमने यहाँ पे ऊपर दो पॉइंट्स लिए थे, मिड एक्स एंड मिड वाई। तो मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ मिड एक्स प्लस 95 एंड मिड वाई माइनस 165 एंड हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है 1, ठीक है। इसकी हम आउटपुट देखते हैं कि एक्चुअली किस तरह से काम कर रहा है और हमारे पास आउटपुट किस फॉर्म में आएगी। ये देखिए हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ रही है कि 1 हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर हमने 12 को लेना होगा तो 12 हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, 2 होगा तो वो 2 यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और मिड पॉइंट जो था वो हमारे पास क्या था, मिड एक्स एंड मिड वाई था, ठीक है। जिसमें हमने गेट मैक्सिमम और एक्स और गेट मैक्सिमम वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। तो मिड एक्स और मिड वाई हमारे पास इन पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि पहला पॉइंट जो मैंने 1 लिया है उसमें मैंने क्या किया, मिड एक्स में प्लस कर दिया 95। दैट मीन्स कि हम इस पॉइंट से प्लस 95 करके किसी इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कहा कि मिड वाई में से 165 माइनस कर देते हैं। तो मिड वाई हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ये था। उसमें से हमने 165 माइनस किया तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो ऊपर टॉप की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ वाई जो है इंक्रीज हो रहा होता है और ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रहा होता है। तो हम डिक्रीज करते करते 165 हमारा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 165 वाई में से माइनस करने के बाद। तो मेन पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 1 डिस्प्ले होकर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हमने 2 को डिस्प्ले करवाना होगा तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूज मिड एक्स और मिड वाई को ही करेंगे, बट उसमें हमारी प्लेस थोड़ी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसका मतलब है अगर मैं वहां पे लिखूंगी कि मिड एक्स में अगेन मैंने एक नंबर ऐड करना है, बट इस दफा मैंने पहले अगर 95 ऐड किया था तो मुझे कुछ ज्यादा नंबर का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा और इस तरफ राइट साइड पे आ सकूं, ठीक है। इसी तरह जब हम मिड वाई में से डिक्रीज करेंगे कोई वैल्यू तो वो हमारे पास जो फर्स्ट 1 के लिए डिक्रीज हुई थी वैल्यू उससे कम होगी, ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादा टॉप पे नहीं जाना, हमने सिर्फ इस नंबर तक जाना है। तो मैं अगर कहूँ कि मिड वाई में से 95 में माइनस करूँ तो मेरे पास 2 डिस्प्ले हो जाए, तो 2 को यहाँ पे किसी पॉइंट पे आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने 3 डिस्प्ले करवाना होगा तो उसके लिए हमें पता है कि ये हमारा कौन सा एक्सिस बन रहा है, मिड एक्स मिड वाई के अकॉर्डिंग ये सेंटर पॉइंट जो है ये वाला हमारा एक्सिस बन रहा है जिसपे हमारी वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, अगर आपको मैथ्स के रूल्स याद हो, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो 3 हमने डिस्प्ले करवाना होगा उसके लिए वाई 0 लेंगे और एक्स की वैल्यू में, मिड एक्स की वैल्यू में कोई नंबर ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो 3 होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ जाएगा। अब ये नंबर्स किस तरह से ऐड करने हैं, माइनस करने हैं, ये आप क्या करेंगे, खुद से एज्यूम करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने वैल्यूज लेनी है। मे बी फर्स्ट टाइम जब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मेरी आउटपुट सही ना आए तो मुझे अगेन कोई वैल्यू माइनस या प्लस करनी पड़ेगी जिसके थ्रू मैं जो फुल क्लॉक है उसमें नंबर्स को डिस्प्ले करवा सकती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हम आउट टेक्स्ट एक्स वाई का फंक्शन कॉपी करते हैं और उसमें थोड़े से चेंजेस करते जाएंगे, ठीक है। कितने टाइम्स ये मैंने कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी करना है 12 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास क्लॉक में नंबर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कॉपी करते जाएंगे, कितनी दफा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नंबर्स को चेंज कर देते हैं। सेकंड टाइम मेरे पास 2 होना चाहिए, देन 3 होना चाहिए, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है,
टू के लिए हमारे पास होना चाहिए 165 ऐड, और यहाँ से माइनस हमारे पास कोई स्मॉल नंबर माइनस तो होना चाहिए क्योंकि हमने ज़्यादा टॉप पे नहीं जाना, तो वो हम कहते हैं 95, ठीक है। और थ्री का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होगा, जो y एक्सिस होगा, y की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, तो हम सिंपल जीरो दे देते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 190, ठीक है। ये आप रैंडम वैल्यूज लेकर जब प्रिंट करवाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने ये नंबर्स लेने हैं। देन हमने फोर को करवाना है, तो अगेन देखें अब हमारे पास रिपीटेशन होगी, थ्री के बाद हमने 165 का गैप लिया था, तो यहाँ पे भी 165 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फोर के लिए वाई की वैल्यू लेनी है, वो हमारे पास उसी तरह से ऊपर -95 हो रहा था, यहाँ पे +95 हो जाएगा, ओके। इसी तरह से हमने आगे नंबर्स को क्या करवाते जाना है, ऐड और माइनस करवाते जाना है। अब फाइव के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, +95 उसी तरह से, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा +165, क्यों, क्योंकि अब हम क्लॉक के नीचे वाली जो है तरफ आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सिक्स के लिए नंबर होगा वो क्या होगा, सिक्स अगेन हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा होता है, सिक्स हमारे पास आ रहा होता है, ये मेरे पास अगर क्लॉक है और मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 12 होता है और यहाँ 6 होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा मिड पॉइंट ये था और ये हमारा वाई एक्सिस बन रहा है, तो वाई पे हमें पता है कि हमारी जो एक्स की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो हम क्या करेंगे, 6 के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिड वाई भी आएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास 6 के लिए जो मिड वाई की वैल्यू होगी वो +190 होगी। प्लस क्यों कर रहे हैं, ये अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से हमने नीचे की तरफ मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, वाई को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, 190 तक हम जा रहे हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमने 190 ही ली हुई थी, अच्छा। उसके बाद 7 है, 7 के लिए -95 हमने करना है, 7 हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, और हमने एक्स से लेफ्ट साइड पर मूव करना है, दैट मीन्स कि हमें वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, और y की वैल्यू हमारे पास अगेन क्या होगी, प्लस होगी, +165। 8 के लिए हमारे पास -165 x होगा, और +95। आप नंबर्स देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वही रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आमने सामने जो भी नंबर्स होंगे उनका हमारे पास सीक्वेंस सेम ही चल रहा होगा, ठीक है। 9 के लिए हमारे पास -190 होगा, एंड 9 हमारे पास यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे x एक्सिस है और x पे हमारे पास y की वैल्यू जीरो होती है,